हेलो एवरीवन, ईटी अमृतसर पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुप्रसिद्ध अमृतसरी छोले, जिसे कि पिंडी चने भी कहा जाता है, जिसमें काबुली चनों को चाय पत्ती के साथ उबाल करके उसकी बहुत ही मसालेदार और चटपटी सी सब्जी बनाई जाती है। तो हम इसे एक्स्ट्रा खुशबूदार बनाएंगे, यानी कि जब हम इसे बनाएंगे तो पूरा घर खुशबू से महक उठेगा, और जब खुशबू इतनी अच्छी होगी तो टेस्ट तो अच्छा आएगा ही। तो चलिए हम जल्दी से इन चटपटे खुशबूदार और थोड़े से खट्टे स्वाद वाले अमृतसरी छोले बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर भिगोए हुए काबुली चने लिए हैं, जिन्हें कि इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है और ये छोले भी कहलाते हैं। तो ये मैंने 1 कप लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से पानी से साफ करके रात भर या फिर 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो अब हम इनका ये जो पानी है ये हटा देंगे, क्योंकि कई बार ज़्यादा देर तक पानी में पड़े रहने से इसमें टेस्ट अलग सा हो जाता है, थोड़ा से अलग सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये पानी हम हटा देंगे और इन चनों को हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और इन सफ़ेद चनों के साथ ही कुकर में हम डाल देंगे 2.5 से 3 कप पानी। अब पानी के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक के साथ हमें हमेशा से ही छोले उबालने चाहिए, क्योंकि नमक जब अंदर तक छोलों के चला जाता है तो टेस्ट छोलों का बहुत अच्छा आता है। साथ ही में ये जल्दी से पक जाए, इसके लिए 1 चुटकी इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, जिसे कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो अब हम क्या सिर्फ नमक और सोडा के साथ ही इन चनों को उबालेंगे? जी नहीं, हम इसमें अच्छी सी एक पोटली बनाकर मसाले की वो डालेंगे, जिससे कि हर एक चने में अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन क्लॉथ लिया है, आप कोई भी अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा ले सकते हो। और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले 1 टीस्पून चाय की पत्ती, कोई भी रेगुलर चाय की पत्ती जो आप हमेशा अपने घर में यूज़ करते हो वो ले लेंगे। साथ ही में लेंगे एक स्टार अनीस, जिसे कि फूल चक्री भी कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही मीठी सी और बहुत ही तेज होती है। और ये 2 हरी इलायची ले लेंगे, जो इस तरह से खोल कर हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें हम डालेंगे ये 4-5 लौंग, जो कि इस फूल चक्री की मीठी सी खुशबू को एक शार्पनेस देंगे। और 8-10 काली मिर्च के दाने डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा तीखापन भी मिल जाएगा इन काबुली चनों को। और अब ये 2 छोटे टुकड़े डाल देंगे दालचीनी के। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून होल कोरिएंडर सीड्स, यानी कि धनिया के दाने। और ये मसाले की पोटली बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम इस तरह से ले लेंगे और इसे हम एक धागे से अच्छे से टाइटली बांध देंगे। तो पोटली हमें एकदम टाइट नहीं करनी है, थोड़ी सी ये ढीली ही होनी चाहिए, ताकि पानी और मसाले अच्छे से आपस में मिल सके और इसका मसालों का फ्लेवर छोलों के पानी में अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से हम अच्छे से धागे से इसे बांध देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से एक पोटली की तरह बन गई है। तो इसे अब हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो इस मसाले और चाय की पत्ती की पोटली को अच्छे से पानी में हम भिगो देंगे, इस तरह से देखिए। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर लगभग 5 से 6 या फिर 6 से 7 विसल लगा लेंगे कुकर की। डिपेंड करता है कि काबुली चने पकने में कितना टाइम लगाते हैं। तो काबुली चनों को हम अच्छे से उबलने देंगे और 6 से 7 विसल सीटी इसकी लगा लेंगे कुकर की। तो ये लीजिए, प्रेशर कुकर की सीटियाँ लगा लेने के बाद अब इसका सारा प्रेशर निकल गया है और अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसे खोल लेंगे और अब आप देख सकते हो कि चने काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो जो चाय की पत्ती हमने डाली थी उसने काफ़ी अच्छे से अपना काम किया है, यानी कि बहुत अच्छे से चनों में और इसके पानी में इसका कलर आ गया है और चने भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और चाय की पत्ती के साथ ही जो मसाले थे उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया है, यानी कि उनका सारा फ्लेवर इन हर एक चनों में और पानी में अच्छे से आ गया है। तो ये पोटली अभी हम नहीं निकालेंगे, अभी हम इसी में रहने देंगे इसे। तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें मसालों की। तो हमने अभी तक सिर्फ एक ही काम किया है, जिसमें ही सारी खुशबू हो गई है। तो अभी हम दूसरा काम कर लेंगे। तो इन उबाले हुए चनों को हम साइड में रख देते हैं और जल्दी से कढ़ाई में मसाला बना लेते हैं। तो इस गर्म कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। आप सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने फ़िलहाल नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ही लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 तेज पत्ते। साथ ही में इसमें हम जीरा नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो छोलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो पहले हम इसे अच्छे से तड़का लेंगे। अब हम इसमें धीरे से डालेंगे 2 पिसे हुए प्याज। तो प्याज के इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो एक बड़ी साइज का प्याज का पेस्ट बनाकर वो इसमें डाल सकते हो। अब ये प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन जाए, अच्छे से ये कैरमलाइज हो जाए, इसके लिए हमेशा की तरह हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक
और अच्छे से पहले इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने लगे हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून फ्रेश क्रश किया हुआ अदरक। तो इन दोनों को और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है ताकि खुशबू और फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आए। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और इतनी देर में हम कुछ सूखे मसाले मिला लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छे से आए, और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर तो हमने इसमें डाल ही दिया है, पर उसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी ले रही हूँ, और 2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ये भुना हुआ जीरा पाउडर, और लगभग 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और 2 चुटकी जितनी हींग इसमें डालेंगे। तो अब हमने मसाले तो बहुत सारे ले लिए हैं, तो फ्लेवर तो बहुत ही बढ़ गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो चना मसाला पाउडर होता है बाजार से हम लाते हैं वो इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगी, पर अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो उसका। और इन सूखे मसालों में हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह का, देखिए। और यहाँ पर कढ़ाई में हमारे ये अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसका कलर आया है। तो अब ये सूखे मसालों का जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये हम इसमें डाल देंगे, और इसे भी हम फिर से अच्छे से भून लेंगे ताकि इन मसालों का भी जो कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा भुना मसाला तो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 पीसे हुए टमाटर। तो टमाटर को मैंने पीस कर इसकी प्यूरी बना कर लिया है, आप चाहो तो टमाटर के बारीक बारीक टुकड़े काट कर वो इसमें डाल सकते हो। और अब हम इस टमाटर को भी अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे तब तक जब तक कि थोड़ा सा तेल हमें दिखाई ना देने लगे। तो ये लीजिए, अब हमारा पिंडी चनों का जो मसाला है ये अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से भून गया है। तो अब जो चने फ्लेवर वाले हमने उबाल करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और पानी के साथ ही डाल देंगे, और जो मसाले की पोटली है उसे हम निकाल देंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये जल्दी से इसमें एक उबाल आ जाए। तो इस तरह से ढक देंगे और इसे पकने देंगे पहले। तो ये देखिए, इसमें अब बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है, अच्छे से ये बॉईल होने लगा है, और अभी हम इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और ये जो तेज पत्ते हैं इनका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ गया है सब्जी में, तो इन्हें हम हटा देंगे। तो मसाले तो हमने इसमें बहुत मिला लिए हैं, बहुत ही मसालेदार बना दिया इसे। तो अब इन मसालों को बैलेंस करने के लिए इसे हम थोड़ा सा खट्टा स्वाद देंगे। उसके लिए हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/4 कप इमली का पानी। तो खटाई के लिए मैं यहाँ पर इमली का पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो अमचूर पाउडर ले सकते हो या फिर एकदम आखिर में आप नींबू का रस डाल सकते हो। तो ये खट्टे पिंडी छोले खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, ध्यान से डालेंगे क्योंकि छोलों के पानी में भी नमक था और प्याज को पकाते समय भी हमने नमक मिलाया था, अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इसमें एक फ्लेवर और मिलाएंगे, वो है कसूरी मेथी का। 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें डाल दी है जिससे कि अब ये बहुत ही और भी ज़्यादा खुशबूदार हो गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और महक आ रही है इसमें से। तो अब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट तक हम इसे दम पर इसी तरह से पकने देंगे ताकि सभी फ्लेवर सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाए। तो ये लीजिए, फाइनली हमारे ये खुशबूदार और मसालेदार अमृतसरी पिंडी छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से बने हैं। आप देख ही सकते हो एकदम डिलीशियस लग रहे हैं देखने में, और खुशबू भी अच्छी है। तो खुशबू अच्छी है तो स्वाद तो और भी अच्छा होगा। अब हम इसमें डाल देंगे आखिर में ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो कंसिस्टेंसी इसकी एकदम बराबर है, आप चाहो तो अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हो। तो अब ये गर्मा गर्म रोटी पराठे फुलके कुलचे या फिर चावल के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये खुशबूदार अमृतसरी पिंडी छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। खुशबू तो इसकी ऐसी है कि पड़ोसियों के मुंह में भी पानी आ जाए। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, सबको ये पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल ईटीएम शोज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उस पर क्लिक करें, साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से सबसे पहले आपको मिल सके। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस खुशबूदार पिंडी छोले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईटीएम शोज।